नॉर्मल डिलीवरी करवाना है, सिजेरियन सेक्शन नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता मंडल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन कोलकाता। लगभग हर महिला जो मेरे क्लिनिक में आती है उनका यही कहना है कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी ही करवाना है। तो आइए आज हम जानते हैं सम ऑफ द टिप्स कैसे नॉर्मल डिलीवरी संभव है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आपके बॉडी को। बहुत ज्यादा वेट गेन इज नॉट गुड फॉर प्रेगनेंसी। एक आइडियल वेट गेन होना चाहिए प्रेगनेंसी। हम लोग बोलते हैं जिसका BMI नॉर्मल रेंज में है उनका वेट गेन लगभग 11 से 12 kg होना ही नॉर्मल है। इससे ज्यादा, इससे अधिक वेट गेन होने से प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप हो सकता है, बच्चा अधिक बड़ा हो सकता है, इससे भी नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको दो जन का खाना नहीं खाना है प्रेगनेंसी में, आपको अपना डाइट एडिक्वेट लेना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी में। पहले ट्राइमेस्टर में आप जितना खाना पहले खाते थे उतना ही खाइए, थोड़ा थोड़ा करके, बार बार करके खाइए। मेन कैलोरी रिक्वायरमेंट जो बढ़ता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से बढ़ता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप अपना खाना थोड़ा और बढ़ाइए और थर्ड ट्राइमेस्टर में लगभग 200 से 300 किलो कैलोरी डाइट आपको इंक्रीज करना है। इसके बाद आपको पीना है पानी। पानी आपको लगभग 10 से 12 ग्लास पानी हर दिन पीना है। इससे आपका हाइड्रेशन मेंटेन होगा, प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शंस प्रिवेंट होंगे और नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा प्रेग्नेंट वीमेन को हर दिन लगभग 15 मिनट से आधा घंटा वॉकिंग और डिफरेंट एक्सरसाइजेस करना चाहिए। डिफरेंट एक्सरसाइजेस यानी एंटीनेटल एक्सरसाइजेस में आपका आता है, आप स्क्वाटिंग कर सकते हैं, किगल्स एक्सरसाइज कर सकते हैं और वॉकिंग कीजिए आप लगभग 15 मिनट से आधा घंटा हर दिन। लेकिन हाँ, ऐसे कई कंडीशन होते हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी, प्लासेंटा प्रीविया जिसमें कि प्लासेंटा नीचे की तरफ होता है, या फिर रिकरेंट अबॉर्शंस का हिस्ट्री होता है, IVF प्रेगनेंसी होती है। इसमें हम यही रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात कीजिए, वो जैसा रिकमेंड करें उस प्रकार से आप एक्सरसाइज कीजिए। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आपका अपने डॉक्टर पे फेथ होगा। अगर आप बहुत रिजिड हो जाते हैं कि नहीं मैम नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है, भले ही इसमें कोई रिक्स हो, तो ये बात बहुत ही गलत है। लेकिन कुछ कंडीशंस में, हाई रिस्क कंडीशंस स्पेशली, नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में प्रेशर का बढ़ना, विच इज़ कॉल्ड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर बच्चा बहुत प्री टर्म हो, IUGR बच्चा हो, मतलब बच्चा पेट में ही बढ़ नहीं रहा हो, या फिर पानी का बहुत ज़्यादा कम जाना, विच इज कॉल्ड ओलिगोहाइड्रामनस। इन कंडीशंस में कभी कभार नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं होती है। इस कंडीशन में सबसे पहले आप अपने डॉक्टर में फेथ दिखाइए और जैसा वो कहे वैसा कीजिए। थैंक यू।